मिल गया आपको, किसी ने बोल दिया लीजिए ये नया टेप है, या मान लिया 18 को 20 को जो आप नहीं यूज कर रहे, लेकिन फिर भी दे दिया गया कि लीजिए आप इसको और इसमें आप टेपिंग करिए, तो आपको कैसे पता चले मुझे ड्रिल कितने का मारना है? अंदाज़ा तो लगाएंगे नहीं, एक फार्मूला रखेंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जैसा कि दोस्तों देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आपको दिया हुआ है M8, ठीक है। M8 का मतलब, तो अगर M8 लिखा हुआ, M10 लिखा हुआ, M6 लिखा हुआ, तो मैं जानता हूँ कि 80% 90% या 100% भी कह लेता हूँ मैं, लोग जानते होंगे कि M8 का मतलब, M10 का मतलब क्या हुआ। तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है इन केसेस में, आप देखेंगे कि जहाँ M8 लिखा हुआ है उसके आगे M8 इंटू करके वहाँ पे ये भी लिख दिया जाता है कि डेढ़ या एक, उससे पता चलता है कि हाँ जो इसमें थ्रेडिंग होगी वो थ्रेडिंग होने का, M8 का मतलब तो ये हो गया कि थ्रेडिंग होना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जो थ्रेडिंग होगी वो पता चल गया हमें कि हाँ भाई M8 की यहाँ पर चूड़ी कटेगी या M8 की टेपिंग होगी। कई बार इन केसेस में लिखा हुआ रहता है M8 इंटू डेढ़, तो हमें पता रहता है कि 8 डेढ़ की चूड़ी कटेगी। लेकिन अब बताइए मुझे, जैसे कि अब मैंने आपको यही दिखाया कि M8 लिखा हुआ है यहाँ पे, जो अगर M8 लिखा हुआ है ये, तो आपको कैसे पता चलेगा कि M8 के चूड़ी के लिए कितने का ड्रिल मारना है? चलिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे मान लेते हैं कि M8 लिखा हुआ है या M10 लिखा हुआ, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपको कितने के ड्रिल मारेंगे जब जाके हमें M8 की चूड़ी कटेगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग तो जानते हैं क्योंकि जो रेगुलर काम करते हैं मैं, लेकिन उनसे भी ये सवाल पूछूंगा, वो भी मुझे बताएंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए आप जो रेगुलर यूज कर रहे हो तो समझ में आता है, मान लीजिए आपके पास कुछ नया ऐसा आ गया, कोई नया टेप मिल गया आपको, किसी ने बोल दिया लीजिए ये नया टेप है, या मान लिया 18 को 20 को जो आप नहीं यूज कर रहे, लेकिन फिर भी दे दिया गया कि लीजिए आप इसको और इसमें आप टेपिंग करिए, तो आपको कैसे पता चले मुझे ड्रिल कितने का मारना है? अंदाज़ा तो लगाएंगे नहीं, एक फार्मूला रखेंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर कोई डिब्बी देखेंगे, अगर डिब्बी मिलती है तो उसमें देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर हमेशा यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जैसे इसमें लिख रखा है देखेंगे आप 4 × 0.7 HHS, यानी कि ये आपका M4 का टेप है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 6 × 1 HHS, यानी कि ये M6 का टेप है, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए जो M6 टेप हो गया इंटू एक, जो एक है लिखा हुआ है, एक पिच की गहराई हो गई है। तो आप अगर 5 का ड्रिल मार लेते हैं, 5.1 तक का मारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5.2 का मारते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप M6 की टेपिंग कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए डिब्बे की बात हुई, कई बार ऐसा भी होता है कि डिब्बे के अंदर कुछ और भी दूसरा टेप रख दिया जाता है, टेप बदल जाते हैं, तो इन केसेस में क्या करेंगे? इन केसेस में आप क्या करेंगे, डिब्बे को खोलेंगे और टेप निकालेंगे। जब आप टेप निकालते हैं तो टेप में आप ध्यान से देखेंगे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद कैमरा कुछ हमारा काम कर जाए, एक मोबाइल है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कैमरा इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है कि जो यहाँ पर क्लियर दिखा सके, लेकिन मैं इसके साइड में पिक ज़रूर दिखा दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे हमेशा, तो यहाँ पर जैसे अगर 10 की थ्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर हमेशा लिखेंगे 10 लिखा रहेगा, 10 × 1.5, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो टेपिंग 10 की होगी, जो उसकी पिच होगी वो 1.5 mm की होगी, 1.5 1.5 mm की होगी। तो हमें जो ड्रिल मारना है वो 10 से 1.5 mm माइनस करके मारना है, ठीक है। 10 से 1.5 mm करके जब माइनस ड्रिल मारेंगे, जैसे 8.5 का ड्रिल मारेंगे तब 10 की टेपिंग होगी। इसी तरीके से हम हर टेप पर देखेंगे, लगभग सभी टेपों पर लिखा हुआ रहता है ये चीज़ें। ये चीज़ आप देखेंगे, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें शायद दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, देखिए यहाँ पे लिख रखा है 16 × 2, यानी कि M16 का टेप है, M16 लिख रखा है इंटू 2, यानी कि 16 का तो टेप है ये, 2 mm की पिच है, जो हम इसमें ड्रिल मारेंगे वो 2 mm माइनस करके मारेंगे 16 से, तो 16 से 2 mm माइनस करेंगे 14 का ड्रिल मारेंगे तब जाकर हमारा ये टेप घूमेगा, थ्रेडिंग होगी, ठीक है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये निकल के आता है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास टेप पुराना मिल गया है, ऐसा कोई भी टेप पुराना मिल गया जिसमें ये मिट गया होगा, ये मिट भी सकता है, मिट भी गया होगा, उस केस में क्या करेंगे आप? नया पे तो समझ में आया कि आपने वहाँ पे देख लिया, अगर पुराना मिल गया जिसमें ये चीज़ लिखा हुआ होगा लेकिन मिट गया होगा, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि कितने का ड्रिल मारना है? इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चाहे ये मिट भी जाए, चाहे आपको ना भी पता हो, कोई नया टेप हो, तो भी आपको उसके लिए जानने के लिए सिंपल सा काम क्या करना है, आपको कोई भी लेते हैं आप, तो सिंपल सा आपको क्या करना है,
कोई भी टेप है, इस टेप को यहाँ पे पकड़ेंगे और इसके अंदर देखेंगे, जो इसके अंदर अंदर जो दिखाई देगा यहाँ पे, तो इसके अंदर यहाँ पे लगाएंगे बर्नियर, बर्नियर ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लगा के देखेंगे कि यहाँ पे इसका साइज़ कितना आ रहा है, इनर डाया अंदर का डाया। तो आप जैसे मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, जैसे ध्यान से देखेंगे आप, तो इसका जो साइज आ रहा है अंदर का वो 14.2 के आसपास आ रहा है। ये 14 ही होगा क्योंकि यहाँ पे अंदर बिल्कुल अंदर ये इसकी पतली सी नोक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बिल्कुल अंदर तक नहीं पहुँच पा रहा होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती अगर 0.1 प्लस माइनस में अगर टेप लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे प्लस में मानना चाहिए ताकि टेप आराम से घूमे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो मैंने समझाना चाहा, यहाँ देखिए 14.1 आ रहा है, यानी कि आप 14 का ड्रिल मारते हैं तो ये टेपिंग कर सकते हैं। जो इसका आउटर डाया बनेगा वो बनेगा 16 का, ठीक है, AM 16 का टेप हो गया, 14 का ड्रिल लगाना है। जो इसमें 2 mm हुआ, 2 mm जो माइनस होता है उसको हम पिच कहते हैं, यानी कि जो इस यहाँ से इसके अंदर जो गहराई है ये चीज़ इसकी पिच हो गई, ये यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक की जो गहराई ये पिच है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, और जो हम मैं समझाना चाहता था, और इस वीडियो में जो आप समझना चाहते हैं, जो मैं समझाना चाहता था, मेरे कहने का मतलब यही था कि आप पास कोई भी टेप आता है तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, आप उसको माइनस करके ड्रिल मार सकते हैं। जैसे 10 × 1.5 लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि 10 में 1.5 माइनस करके आप ड्रिल मार देते हैं, यानी कि 8.5 का, तो आप टेपिंग कर सकते हैं। कोई नया भी टेप आता है, टेप में नहीं लिखा हुआ, उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अंदर इनर डाया चेक करना है, जो भी आपका इनर डाया आता है उस डाया पर ड्रिल मार लेना है, उस साइज़ का ड्रिल मार देना है, उसमें जाके आपको ये टेपिंग कर देनी है। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिए, जरूरी नहीं है आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है रटने के लिए। ये सभी टेपों के लिए यही आएगा कि आपको जितने का भी टेप मारना हो, अंदर इनर डाया चेक कर सकते हैं, उतने का टेप के लिए आप ड्रिल मार सकते हैं। शायद हो सकता है दोस्तों मैं आप लोगों को जैसा समझाना चाह रहा था शायद नहीं समझा पाया हो, या उतने अच्छे से शायद मेरा कैमरा नहीं काम किया हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन मेरा जो मकसद था, शायद अगर समझदार होंगे आप लोग, आप रेगुलर काम कर रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं मैंने क्या समझाने की कोशिश की, आप क्या समझना चाह रहे थे। ये इन केसेस सभी में ऐसा ही होगा, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर मैं दोबारा इस पर कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो अगर आपकी जो भी क्वेरीज रहती है आप मुझे कमेंट करेंगे, तो हो सकता है मैं कमेंट के लिए, या शायद हो सकता है मैं व्हाट्सअप नंबर दूँ, जिससे कि मतलब मेरी कोशिश हमें 100% रहेगी आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज रहे वो क्लियर हो, आप अच्छे से समझ सकें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप अपनी भाषा में अपने तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेरीज को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और हर तरह की बातें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।